पांचवें चरण के पंचायत चुनाव में प्रखंड परिणामों में भारी उलटफेर देखने को मिला। गांव के सरकार में भारी संख्या में नए चेहरे शामिल हुए हैं। वहीं 7/1 से जिला परिषद सदस्य में भी 3 क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों ने झटका मार दिया है। पूर्व के जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी को उनकी सगी बहन सीता देवी ने 2982 मतों से पराजित कर दिया, अपना परचम लहरा दिया है। इसी प्रकार 7/2 से सुजाता कुमारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मंजू देवी को 375 मतों से पराजित किया। 7/3 से सुमित्रा देवी ने अपनी प्रतिद्वंदी शालिनी कुमारी को 1378 मतों से पराजित किया है। इसी प्रकार प्रखंड क्षेत्र के 23 पंचायतों में से 4 पंचायतों की निवर्तमान मुखिया ने अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। शेष अन्य 19 पंचायतों में मुखिया पद के लिए नए चेहरे सामने आए हैं। इन 4 पंचायतों में प्रेमजी भर्त ने भगवान मुखिया जिसान फारूकी को पुनः अपना परचम लहराया है। इसी प्रकार से बसंत पंचायत के मुखिया कुमारी नीलम, उधरा महापाड़ा पंचायत के निवर्तमान मुखिया निरंजन यादव एवं हीरापट्टी पंचायत के निवर्तमान मुखिया कैलाश कुंवर ने पुनः मुखिया पद में निर्वाचित हुए हैं। ये धर्मिंदर यादव जो है 26 वोट से पंचायत समिति 15 नंबर क्षेत्र से जीता हुआ है। कौन सा पंचायत से? बरवाड़ा पंचायत से। निर्वाचित 36 मतदाता से बात करवा के गोपाल जी ठाकुर जी से घपला करना चाहते हैं, इस बच्चा को हराने का काम कर रहे हैं। कौन गोपाल ठाकुर कौन है? जो सांसद जी से बात करवा रहे हैं बीजू साहब को, ये आपको जो बीजेपी के नेता है क्यों? वो 23 वोट से जीता हुआ है। ये 23 वोट से आप पर आरोप लग रहा है? आपने गोपाल जाऊ ठाकुर से फोन करवाया? आप पे आरोप लग रहा है? मोबाइल कैसे ले गया? मोबाइल अंदर कैसे आया आपके हाथ में? आपके पास मोबाइल कहाँ से आया? मोबाइल हमारा नहीं है, ये दूसरे आदमी का। किसी से बात करवाए? नहीं। तो किससे बात करवाए? कौन से बात नहीं करवाया? आपके अपने वीडियो के पास कैसे मोबाइल दिया? वीडियो है मोबाइल किसका था? वीडियो मोबाइल है। और जब बक्सा खुला, बक्सा खुला कहाँ खुला कोई पता नहीं चला। गिनती हो गई, कोई कुछ नोट किए हुआ है, कोई कुछ नोट किया है, कभी जोड़ता है तो घट जाता है, कभी जोड़ता है तो बढ़ जाता है। उस पर हम वीडियो से बात किए, इसको पुनः गिनती कराइए। वीडियो से आपने स्वीकार किया और एक आवेदन दिए, इसके बाद गिनती के लिए हम रोके हुए हैं। फिर मोबाइल से बात कराने का जो वीडियो आपका सामने आ रहा है, ये किन मोबाइल से बात किनको करवा रहे थे? कहीं मोबाइल से कोई बात नहीं करवाया। आवेदन देने के बाद आप बात करवाए? आपके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग अगर चेक की जाए तो ये साबित अगर हो गया तो इस पर आपका क्या कहना है? आप अपने मोबाइल जमा करेंगे कलेक्टर के? मेरा मोबाइल नहीं, आप चेकिंग मोबाइल हमारे पास रहेगा। काउंटिंग हॉल में लाना क्या कहाँ तक मना सकते हैं? मोबाइल से कोई बात नहीं। काउंटिंग हॉल में मोबाइल लाना कहाँ तक? मोबाइल से कोई बात नहीं। जब गिनती खत्म हो गई तब मंगाया है। नहीं, गिनती तो खत्म नहीं हुई है, अभी तक आपने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया है। खत्म हो गई जब गेट पर से आने दिया। मोबाइल कैसे ले? हार मान चुके हैं आप? नहीं मान चुके हैं। गिनती खत्म हो गई तो हार मान चुके हैं। गिनती वाले मोबाइल कैसे नहीं माने? पूरा गिनती कराने के लिए आवेदन दिया है। गिनती होकर से पैर भी लगा रहे हैं। जनता का जो डिसीजन होगा वो माना जाए। जनता का डिसीजन, विधायक का, सांसद का, जनता का जो डिसीजन होगा। जनता का डिसीजन तो हो चुका है। पंचायत के जनता का जो डिसीजन होगा, जनता का डिसीजन हो चुका है। अनाउंस नहीं हुआ, अनाउंसमेंट हो चुका है, रिकॉर्डिंग है, तारीख क्या बात नहीं हुआ। जो सो मोबाइल से बात करवा रहे थे, 23 वोट से जीता हुआ धर्मेंद्र यादव, जय कुमार झा जी जो सो मोबाइल से बात करवा के मंत्री लोगों का पैर भी लेते, उसको जो सहाय बदलने की कोशिश की जा रही है। कौन क्या कर रहा? कौन कर रहा? कौन कर रहा? उसके अगेंस्ट में है जय कुमार झा जी अगेंस्ट में। किससे बात करवाते मोबाइल से? किससे बात करवाओ तो हम नहीं जानते, वो हम नहीं कर सकते किससे बात करवा, लेकिन मोबाइल से बात करवाते हुए मोबाइल से आपको वीडियो साहब को हमने देखा। उसमें क्या नाम है व्यक्ति का? व्यक्ति का नाम क्या है? जय कुमार झा, जो मोबाइल से बात करवा रहा है। आरोप किस पे लग रहा है? आरोप कौन लगा रहा है? कौन आरोप लगा रहा है? हम लोग उनके समर्थक है। अच्छा, मैंने अपने आप को देखा, बहुत सारे लोग देखे बात करवाते हैं। मोबाइल अंदर लाने का अलाउड नहीं। मोबाइल कैसे अंदर आ गया? अब उसका कोई मोबाइल चीज नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? कौन से पंचायत से? पंचायत भरवाड़ा। आपका जो प्रत्याशी कौन से पंचायत? पंचायत समिति संख्या 15 से। क्या वोट जीते हैं आप? 400+। कौन से पंचायत से? अजौल पंचायत। जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बोले? जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? से हम थोड़ी जीते हैं, हमारा अजौल पंचायत जनता जीता है। हमने आगे क्या रणनीति हुई आपकी?
रणनीति क्या है? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।